वेलकम टू एजुकेशनल गुरु। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय एजुकेशनल गुरु 23 जून 2020। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? 21 जून को। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हाइड्रोग्राफी को महत्वाकांक्षा को बढ़ाया जाए, और ये IHO के द्वारा मनाया जाता है, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर दो, हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आंसर बी, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में इनका भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, और इसका रुपी इसका इसका पैसा डॉलर है, डॉलर US डॉलर है। और स्विट्जरलैंड में मोनिका मेहता को भारत का राजदूत का नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाल ही में आई UN की रिपोर्ट के अनुसार कितने मिलियन बच्चे हिंसा का अनुभव करते हैं? को आंसर बी, 1 मिलियन बच्चे हिंसा का अनुभव करते हैं, शारीरिक हिंसा। और UN आई थी, UN की क्या होता है, UN यूनाइटेड नेशन है, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर फोर, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन NS के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा सी, डॉक्टर सेतुरामन पंचानंद को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर फाइव, हाल ही में राजेंद्र गोयल का निधन हुआ, वे कौन थे? वे क्रिकेटर थे, वो बाएं हाथ के स्पिनर थे, बल्लेबाज थे, स्पिनर गेंदबाज थे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश के लिए 1.05 बिलियन डॉलर की राशि की मंजूरी की है? तो बांग्लादेश को मंजूरी की है, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और इसकी करेंसी टका है, और इसकी प्रधानमंत्री बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। क्वेश्चन नंबर सेवन, हाल ही में योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किस अभिनेत्री को आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया है? अनुष्का शर्मा को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर एट, हाल ही में किस स्पोर्ट अकादमी को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया है? तो नागालैंड, इसकी राजधानी कोहिमा है। क्वेश्चन नंबर नाइन, हाल ही के ITF के पुरुष खिलाड़ी पैनल के लिए किसे चुना गया है? निक्की पुनावा को चुना गया है। और ITF क्या होता है? ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन होता है, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। क्वेश्चन नंबर दस, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश के लिए आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो रूस, और इसकी राजधानी, रूस की राजधानी मॉस्को है, और इसकी करेंसी रूसियन रबल है, और इसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। थैंक यू सो मच।